अलैक्म जी जनाब, ये आज हम आए हैं बाशु वैली, और बाशु वैली में यहाँ बहुत प्यारी लश ग्रीनरी और आबशार, ये दरिया, बहुत प्यारा सीन है। तो अभी ये जमजम होटल पे हमें पता लगा था, यहाँ पे यहाँ की एक जो है ना मशहूर सौगात, याक का गोश्त, तो वो हमने सोचा हम ट्राई करें। तो आए देखते हैं कि भी कैसे बना रहे हैं और कैसा टेस्ट है। जी तो हम आए सखावत भाई के पास, ये हमें याक का गोश्त खिलाएंगे। तो सखावत भाई बताएंगे याक का गोश्त कैसा होता है, याक ये इसमें और गाय के गोश्त में क्या डिफरेंस होता है। नहीं, सबसे पहले तो याक का गोश्त और गाय के गोश्त जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो टेस्ट का होता है। टेस्ट में जो गाय का गोश्त याक का गोश्त होता है वो गाय के गोश्त में थोड़ा खट्टा होता है और कलर में थोड़ा वो रेड कलर का होता है, मतलब गाय के और याक के ये गोश्त हमारे के पास कारण। फ्रीज पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा फ्रीज पड़ा है, ये याक का देखिए अच्छा पसलियाँ हैं, तो सही। कलर से भी आप देख सकते हैं कि तो थोड़ा यहाँ ये पे हमने ये अच्छा थोड़ा बॉयल किया ये हुआ है। बॉयल करके रखा है, और मैंने ना एक दो बोटियाँ ट्राई भी की हैं, बहुत टेस्टी है। तो अभी ये मसाला वगैरह बना के इसका कोरमा बना के हमें देंगे। जी जी इंशाल्लाह। तो जनाब कितनी देर तो लगेगी। ये मतलब रेडी हो जाएगा, क्योंकि गोश्त हमारे पास पहले से बॉयल किया हुआ है, तो बनाने में कोई 5-10 मिनट लग जाएंगे। तो क्या कढ़ाई हो गया रेडी, अब इसको हम बॉल में निकाल रहे हैं, और साथ साथ हम यहाँ पे तवा चपाती भी साथ साथ हमारे जाकिर भाई और हामिद भाई ये हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। तो जी ये हमारी याक कढ़ाई तैयार है, अब इसको टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। ये गोश्त भी सही गला हुआ है, बहुत जबरदस्त। आप उतनी देर सीनरी एंजॉय करें, मेरा खाना खाओ।